हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपका मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड वालों का एग्ज़ाम हुआ था अभी लास्ट ईयर दिल्ली में, टर्म 2 का, उसका सेट 1 मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो ये जो आपका सेशन था, ये आपके पास था सेशन 2021 टू 22 का पेपर है ये, ठीक है, जो कि अभी जून में ही हुआ था। तो इसमें आज हम सेक्शन ए करेंगे, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले, ये पेपर स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके पास यहाँ पर एक सीबीएसई की, यही आपके पास एक पूरी सैम्पल पेपर की बुक है, सीबीएसई लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर की बुक है। किसकी बुक है ये? ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है, स्पेशली क्लास 10th के लिए ये है। इसमें आपको 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा देती हूँ, साथ साथ दिल्ली के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आउटसाइड दिल्ली के भी पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर, अगर आप कंटेंट देखें तो इंग्लिश में, अगर आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर पेपर दिख रहा है, यहाँ पर 2022 का जो अभी आपका पेपर हुआ था वो है, 21 का है, देन 20, 2019 का है, 18 का है। तो लास्ट 10 ईयर के पेपर्स हैं, दिल्ली के भी और आउटसाइड दिल्ली के भी। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर मैथ्स के भी मिलेंगे, एसएसटी के भी मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट के पेपर आपको इसी एक ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बुक है, पेपर्स और फुली सॉल्व है, ऐसा नहीं है। और सारे सेट्स हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीन तीन सेट होते हैं, तीनों ही सेट आपको हर साल के दे रखे हैं। तो इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ओसवाल गुरुकुल कि आपकी ये बुक है, तो आप वहां से इस बुक को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। तो इसी से मैंने ये क्वेश्चंस ले लिए हैं दिल्ली के, जो टर्म 2 का आपका पेपर आया था, सेट 1 है ये हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है एक्स के लिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू, में अगर हम देखें तो हमारे पास वो होता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ अगर हम देखें तो a की वैल्यू 1 है हमारे पास, और b की वैल्यू अगर हम देखें तो वो है 2√2, और c की वैल्यू हमारे पास -6 है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह 2√2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 a की जगह 1 हो गया, c की जगह -6 हो गया, अपॉन में यहाँ पर 2a, तो a की जगह यहाँ पर 1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू में x इज इक्वल्स टू माइनस 2√2 ऐसी है, प्लस माइनस अंदर का अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो 2 2 जब 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का आ जाएगा आपके पास 24, 4 6 या 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे का 2 आप पे ऐसी है, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू माइनस 2√2 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 8, प्लस का 24 आप कर दोगे, तो 24 में जब आप 8 प्लस करोगे तो 32 आएगा। 32 को मैं सीधा लिख सकती हूँ यहाँ पर 2 × 16 × 2 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, अपॉन में 2 ऐसी है यहाँ पर। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2√2 ऐसी है, 16 को मैंने रूट से बाहर निकाल लिया, 4 आ गया, और यहाँ पर √2 अंदर ही रह गया, और ये 2 ऐसी है। इसमें से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का √2 प्लस माइनस का यहाँ √2, और नीचे आप 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2, ये 2 से ये 2 कट गया। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ से अब निकाल सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आ रही है आपके पास माइनस का √2 आ रही है, और प्लस माइनस 2√2 आ रही है, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ होती हैं आपके पास, तो एक हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस √2 प्लस का 2√2, और एक हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस √2 माइनस का 2√2। तो एक एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2, और एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 3√2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो वैल्यूज़ तो निकलेंगी, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दे रखी है कि आपको पूरी, इज़ 49/2। आपको टर्म बतानी है कि कौन सी टर्म होगी 49/2। तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, कि लेट ये ए एन टर्म है, लेट ए एन टर्म इज इक्वल्स टू 49/2 है, ठीक है। अब ए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 11/2 है, डी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालते हैं, तो माइनस का 3 और माइनस माइनस का 11/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 प्लस का 11/2, बेस सेम कर लो आप यहाँ पर, तो -6 आ जाएगा प्लस का 11, तो ये आ जाएगा 5/2, डी निकल गया। चलो अब ए एन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन मुझे क्वेश्चन में हमने खुद ही माना है ये 49/2 है, ए मुझे -11/2 पता है, प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता इस ए पी में कितनी टर्म्स है, तो उसको ऐसे ही रहने दो, डी मुझे पता है 5/2 है,
क्लियर है? तो 49/2 ये यहीं पर ही रहने दो। अब आप इस 11/2 को दूसरी साइड पे लेके जा सकते हो, ठीक है ना? तो ये यहाँ पर ये पूरा एक है, इसके साथ प्लस में इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 11/2 ऐसे ही रहेगा, एन माइनस का 1 और यहाँ 5/2 ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा 49/2 प्लस का 11/2, यहाँ पर एन माइनस 1 और 5/2 आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आपके पास 49 में जब आप 11 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 60/2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ये 5/2 मल्टीप्लाई का है, तो इधर आके ये चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देती हूँ इसको, तो यहाँ के ये हो जाएगा 2/5, यहाँ एन माइनस 1 ऐसी है, क्लियर है? इसको इससे काट दिया मैंने, 30 पे कट गया ये हमारा, और इसको इससे काटा यहाँ पर, ये 6 पे कट गया है, ठीक है? तो अब यहाँ पर बचा 6 × 2 और यहाँ पर बचा n माइनस का 1, तो 6 × 2 होता है 12, 1 इधर आ जाएगा और यहाँ n है, तो n कितना आ गया 13, तो इसका मतलब 10 13th टर्म इज 49/2। क्लियर है? एपी का क्वेश्चन था ये। इसी के साथ आपको चॉइस में एक और क्वेश्चन मिला है इसी सेट में, फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर, आपको ये चार नंबर्स दे रखे हैं आर इन एपी, इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एपी में है तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी होगा, डी कैसे निकाल सकते हैं हम, वो निकालेंगे ए टू माइनस ए वन से, तो डी की वैल्यू आ गई है 7 - a, ठीक है? एक तरीके से और निकाल सकते हैं डी हम, वो कैसे निकाल सकते हैं, ए थ्री माइनस ए टू से, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई है b - 7, दोनों ही डी की वैल्यू है, तो हम दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 7 - a इज इक्वल्स टू b - 7, ठीक है? तो 7 + 7 और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस का b हो जाएगा, तो यहाँ से एक a प्लस के b की वैल्यू निकल गई है 14, एक इक्वेशन बन गई है, अभी वैल्यू नहीं निकली है अलग अलग, पर एक इक्वेशन बन गई है यहाँ पर, ठीक है? और अगर हम अपना एक और चीज़ देखें, अब यहाँ से आप एक और इक्वेशन बना सकते हो। देखो d आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो ना, ए थ्री माइनस ए टू तो आपने अभी किया ही था, तो d आपके पास b - 7 आया था, ठीक है? और एक और आपने, ये आपकी इक्वेशन 2 थी, d आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, ए फोर माइनस ए थ्री, तो अब d कितना आ जाएगा, 23 माइनस का b, ठीक है ना? अब यहाँ पर ये वाली तो इक्वेशन 2 ही है, इसको इक्वेशन 3 ले लो, तो अब यहाँ पर लो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, अगर हम इनसे देखें तो b - 7 इज इक्वल्स टू में 23 - b हो जाएगा। अब ये b इधर आ जाएगा तो 2b, और ये 7 उधर जाएगा तो 30 बन जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है 15, b की वैल्यू निकल गई। अब आप इसको क्या करो, इक्वेशन अपनी इसमें पुट कर दो, तो a प्लस b आपने 14 निकाला था, तो a प्लस 15 इज इक्वल्स टू में 14, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। तो दो वैल्यूज़ निकालनी थी, b और a की, वो निकल गई हैं, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, अ सॉलिड पीस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 11 × 7 × 7 इज मेल्टेड टू फॉर्म एन नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 7 cm ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देखो आपके पास एक सॉलिड पीस था मेटल का जो क्यूबॉइड की शेप का था, उसके डायमेंशंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आपने उसको क्या किया, पिघला दिया और पिघला के एक स्फीयर बना दिया, ठीक है? अब स्फीयर आपने एक नहीं बनाया, काफ़ी सारे बने होंगे उसमें स्फीयर, रेडियाई आपको उसकी दे रखी है 7/2 cm है, आपको यही बताने हैं कि कितने स्फीयर्स बने, तो वो एन जो था ना वही आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको पता है जितनी क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगी वो जो है वो हमारे किसके बराबर होगी, जितने भी हमने स्फीयर बनाए होंगे उनकी वॉल्यूम के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारे को पता है, वो होता है हमारे पास l × b × h, तो इसका मतलब 11 × 7 × 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 77 × 7, तो 7 × 7 जब 49, यहाँ पर 49, तो 53 आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका cm³। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर निकाली है अभी, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर आपके पास होती क्या है, 4/3 πr³ होती है, तो r तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, 7/2 है, तो इसका मतलब 4/3 π की जगह मैंने क्या किया, 22/7 रख दिया, r है मेरे पास 7/2, तो 7/2 × 7/2 तीन बार यहाँ लिख दिया, इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट किया 11 आया, इसको इससे कट किया 2 आया, इस 2 को इस 2 से कट कर दिया, तो फाइनली आपके पास बचा क्या, ऊपर डिनोमिनेटर में तो 11 × 49 बचा, न्यूमरेटर में 11 × 49 है, डिनोमिनेटर में आपके पास 3 बचा, तो आप इसको चाहो तो यहाँ पर नीचे और कोई 7 आपके पास बचा नहीं है, ठीक है? तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 539/3 आ रहा है, 7 cm³ आ रहा है। अब आपको नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेगा, एन,
तो जो जितनी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, अगर आप उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर से, तो आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास है 539, और ये आपके पास है 539 अपॉन में 3। अब जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 539। 539 से 539 कट गया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3, तो एन की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इन फिगर 1 ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, बी सी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, इफ़ ओ पी बाइसेक द कोट ए डी एंड एंगल ए ओ पी इज 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल सी। देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ए बी आपकी ये डायमीटर है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बी सी एक टेंजेंट दे रखी है, ये आपकी बी सी टेंजेंट है, इस पर टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, मतलब कि ये पूरी लाइन टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, ठीक है ना। आप कह रहे हैं जो ओ पी जो है ना, वो इस ए डी कोड को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, तो एक एंगल यहाँ पर आपको 60 डिग्री का दे रखा है, आपको ये वाला जो एंगल सी है ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, आपका सर्कल वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अब देखो आपको यहाँ पर दे रखा है कि ओ पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो पहले यही लिख देते हैं, सिंस ओ पी बाइसेक्ट द कॉर्ड ए डी, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो देयर फोर आपका जो एंगल ओ पी ए होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ओ पी ए ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। अब आप इस छोटे वाले ट्राइंगल से क्या कर सकते हो, ये वाला एंगल निकाल सकते हो ए, है ना। तो अब इन ट्राइंगल, अगर मैं अपने ट्राइंगल की बात करूँ ए ओ पी की, इसमें तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल ए कैसे निकल जाएगा आपका, 180 में से आप 60 और 90 को माइनस कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री, ये आ गया आपका 30 डिग्री। अब आपको पता है ये तो 90 होगा, क्योंकि आपकी ए बी जो है वो क्या है, आपके पास यहाँ पर इस बी सी पे परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर होगी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए बी सी है वो 90 डिग्री है, रीजन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। क्लियर है ना। अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी की दो एंगल्स मुझे पता है, एक 30 एक 90, तो तीसरा निकल जाएगा, तो एंगल सी कैसे निकलेगा, 180 में से 90 और 30 को माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा, तो एंगल सी यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, फिगर देख के मुश्किल लग रहा था। चलिए इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी आपका उसी चैप्टर का है, कह रहा है इन फिगर 2 एक्स ए वाई इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इफ़ एंगल ए बी ओ इज 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी ए वाई, बी ए वाई एंगल आपको फाइंड करना है, और एक ए ओ बी, एक ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, एक ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ओ ए और ओ बी जो है ये तो आपकी रेडियाई हैं, तो दोनों इक्वल होंगी, होंगी नहीं होंगी, तो सबसे पहले तो यही लिख लो, ओ ए इज इक्वल्स टू में ओ बी होगा रेडियाई ऑफ द सर्कल, और जब ये दोनों लाइंस आपके इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इसका मतलब एंगल आपके पास ओ ए बी जो है वो एंगल ओ बी ए के बराबर होगा, कितना, 40 डिग्री का, ठीक है। रीजन में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखो अपने इस ट्राइंगल में दो एंगल्स तो आपको मिल ही गए ना, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी में देखो तो एंगल आप ए ओ बी कैसे निकाल सकते हो, 180 में से 40 माइनस 40 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 100 डिग्री। चलो एक एंगल तो निकल गया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो आपका ये वाला पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये तो आपका 90 डिग्री होगा, कौन सा एंगल ओ ए वाई जो है, ओ ए वाई पूरे की बात करूँ मैं, आपका 90 डिग्री होगा, क्यों, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है ना, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना, तो ओ ए मेरी रेडियस है, तो ये पूरा मेरा 90 होगा, अगर इसमें से मैं सिर्फ इतने वाला पोर्शन हटा दूँ 40 वाला, तो जो मुझे चाहिए वो निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो इसका मतलब बी ए वाई मेरा कैसे निकलेगा, 90 में से अगर मैं किसको माइनस कर दूँ, अपने एंगल को, और कौन से एंगल को माइनस करूँ यहाँ पर मैं, ओ ए बी को, तो 90 माइनस का 40 कर देती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपके पास थ्योरम लग रही थी 10.1 दोनों ही क्वेश्चंस में। क्लियर? क्वेश्चन 5 है अब हमारे पास यहाँ पर,
इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ये आपके पास स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या कर रखा है, मोड दे रखा है और आपसे इस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो मोड का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो मोड आपको 55 दे रखा है, तो आपको क्या चाहिए, क्लास इंटरवल चाहिएगी। तो 55 किसके बीच में लाई करेगा, 45 और 60 के बीच में, तो ये आपकी क्लास इंटरवल आ गई है। ठीक है, तो सी आई हमारी यहाँ पर निकल गई है जो हमें चाहिए, मॉडल क्लास 55 टू 60 है। इसमें एल देखें तो हमारे पास 45 है, ठीक है। एच देखें, इन दोनों के बीच का गैप होता है 15 है। अब हमारे को चाहिए F1, F0 और F2, ये तीन चीज़ें चाहिए। F1 तो वही होती है जो हमारी मॉडल क्लास होती है, तो 15। F0 ऊपर वाला होता है, F2 नीचे वाला होता है, 10 हो गया। क्लियर है। मोड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, यहाँ पर वो होता है आपके पास एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास, H आ जाएगा। ठीक है, सब चीज़ हमें पता है, मोड हमें 55 पता है, L हमें 45 पता है, F1 हमारे को कितना पता है, 15, F0 हमारे पास X है। अब देखो यहाँ लिखा है 2F1, तो इसका मतलब 2 इंटू 15 करोगे तो 30 आ जाएगा, माइनस का F0 और माइनस का F2, H हमारे पास 15 है। क्लियर है। इस 45 को मैं इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, यहाँ पर आ गया 15 माइनस का एक्स, और 30 में से 10 जाएगा तो 20, तो 20 माइनस का एक्स इंटू में यहाँ आ गया 15। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 10, तो ये यहाँ पर डिवाइड का, इधर इसको मैं इधर ले आई तो ये मल्टीप्लाई का हो गया और यहाँ पर बचा 15 और यहाँ आ जाएगा 15 माइनस का एक्स। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो यहाँ पर, तो इसको कट कर सकते हो इन दोनों को, इसको 2 पे कर दिया, इसको 3 पे 5 की टेबल से, तो 2 को अंदर इंटू किया तो 40 आ जाएगा माइनस का 2x, और 3 को अंदर इंटू किया तो 45 आ जाएगा माइनस का 3x। x वाली टर्म को ऐसा करते हैं एक साथ रख लेते हैं, और जिनके साथ x नहीं है उनको एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो आपके पास वैल्यू निकल रही है, तो ये आ गया माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। आपको इसमें x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, फाइंड हो गई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा जो सेक्शन ए है, इस टर्म 2 का जो सेट है, दिल्ली का जो ये सेट 1 था, वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर करके जाइएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको ये पता रहे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन एज दिस। आपको क्या करना है, यहाँ पर s20 निकालना है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। आपको यहाँ पर ए एन दे रखा है, ए एन इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 एन है, तो हम इससे क्या करते हैं, पहले अपनी ए वन निकाल लेते हैं, तो 5 माइनस 2 इंटू में 1, तो ए वन कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 वो आ गया 3। ऐसे ही मैंने अपना ए टू निकाल लिया, तो 5 माइनस 2 इंटू में 3, तो 5 माइनस का 6 तो आ जाएगा माइनस का 1। अब आप इससे क्या कर सकते हो, डी निकाल सकते हो, ए टू माइनस ए वन करके, तो ए टू है माइनस 1 सॉरी ए वन है आपके पास यहाँ पर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ए टू आपके पास यहाँ पर है माइनस 5 माइनस 2 3 जो है ना ए वन, एक सेकेंड यहाँ हमारी मिस्टेक हो गई, हमने एन को 2 रखा था, ठीक है ना, इसके अंदर पुट कर रहे हैं ना, तो 2 इंटू में 2 तो 4, तो ये हमारे पास प्लस का 1 आएगा, तो 1 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, डी निकल गया। आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एस 20 निकालना है, तो अगर हम फॉर्मूला देखें S20 निकालने का, तो वो हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट में होता है 2A प्लस एन माइनस 1D, यही होता है। अब n की जगह यहाँ पर 20 है, तो 20 अपॉन में 2 और यहाँ पर 2A, A की वैल्यू यहाँ पर हमने A1 निकाला है, कितना निकाला है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 और D का मतलब माइनस का 2 हो जाएगा। इसको इससे कट किया 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखो 20 में से 1 जाएगा 19, 19 2 जो आपके पास हो जाएगा 38, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि 2 आपके पास माइनस का है। क्लियर है, तो यहाँ आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में माइनस का 32, तो आपके पास S20 निकल के आ गया माइनस का 320। क्लियर है, तो ये था हमारे पास सेक्शन ए था, हमारा जो सैम्पल पेपर है, ये दिल्ली का जो टर्म 2 का जो पेपर है आपके पास, जून में जो भी एग्ज़ाम हुआ था 2021-22 वाले सेशन का है। तो सेक्शन ए हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सेक्शन बी कराऊंगी, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर बोलूँ आप ये पेपर ज़रूर करके जाइएगा, लास्ट 10 ईयर के पेपर्स, ताकि आपको ये पता चले कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।